मुखबिर की सूचना पर SHO रामनगर व क्राइम ब्रांच की टीम विश्व सुंदरी के पुल के पास चेकिंग कार्य प्रारंभ किया। उसी दौरान एक डाक पार्सल लिखा हुआ DCM दिखाई दिया, जिसको रुकवाया गया। रुकवाने पर उसमें दवा की बिल्टी के पेपर पाए गए और अंदर जो है उस पर शराब की पेटियां पाई गईं। शराब की पेटी के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो वो एक व्यक्ति जो उसमें बैठा हुआ था चालक के रूप में, वो उसके बारे में कुछ बता नहीं पाया गया और इस संबंध में गहनता से छानबीन की गई। तो ये जो है 200 पेटियां शराब की, जिसमें मैकडोनाल्ड की जो है पेटियां हैं, इंपीरियल ब्लू की 200 पेटियां, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है, वो नाजायज पाई गई। और ये पेटी जो है पंजाब से चली थी और ये दवा की बिल्टी के नाम पर शराब की पेटियां परिवहन कर रहा था। जो पकड़ा गया अभियुक्त है ये राजस्थान का रहने वाला है, अभी एक ही अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। शेष इससे गहनता से पूछताछ की गई, इसका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं घटना में, उन सभी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और टीमें रवाना की गई हैं। इसके वाहन की जब्तीकरण की कार्रवाई, जो 200 पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई है उसके संबंध में भी विधिक कार्रवाई और अपराधियों का आपराधिक इतिहास संकलित करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर की और उनके जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है वो संपत्ति को सीज करने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सब जो माल पकड़े गए हैं ये कहाँ पे, रामनगर में रखा है या आपके? रामनगर पुलिस स्टेशन में है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।